हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? तो अपने चैप्टर 6 के डिस्कशन को हम लोग आगे करते हैं, और मैं ऐसा करता हूँ कि आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही है। स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है? देखिए, अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में होते हैं। अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स कहाँ होते हैं? एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में। और स्ट्रेंथ और वीकनेस अपना होता है, इंटरनल एनवायरनमेंट में। इसको हम लोग सोट एनालिसिस कहते हैं, स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटीज थ्रेट। स्ट्रेंथ वीकनेस किसी फॉर्म का अपना होता है, और अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स उसके लिए एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में होता है। ठीक है, तो क्या ये इसे हम लोग डिस्कस करेंगे? अभी क्या डिस्कस करेंगे? स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज, थ्रेट्स। स्ट्रेंथ क्या है? स्किल, रिसोर्स। स्ट्रेंथ के लिए कहते हैं इनहेरेंट एबिलिटीज ऑफ ए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ऑन द बेसिस ऑफ व्हिच इट विल परफॉर्म बेटर देन द राइवल्स। स्ट्रेंथ आपकी वो एबिलिटीज है जिसके बेस पे आप राइवल के कंपैरिजन में बेहतर परफॉर्म करेंगे। स्ट्रेंथ, स्किल, रिसोर्स और अदर एडवांटेज दैट ए फर्म हैज रिलेटिव टू इट्स कंपेटिटर्स दैट इज इंपॉर्टेंट टू सर्विंग द नीड्स ऑफ कस्टमर्स इन द मार्केट प्लेस। टारगेट मार्केटिंग, ये क्या होगा भाई? क्या कहा था? मार्केट सेगमेंटेशन, उसके बाद मार्केट टारगेटिंग। ये टारगेट मार्केटिंग, टारगेट को मार्केट करना, रीचिंग आउट टू अ ग्रुप ऑफ कंज्यूमर्स, शेयरिंग कॉमन कंज्यूमर कैरेक्टरिस्टिक्स विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट एडवर्टाइजमेंट। टारगेट मार्केटिंग, टारगेट करके मार्केट करना, टारगेट करके मार्केट करना। टेली मार्केटिंग, टेली मार्केटिंग, टेली मार्केटिंग क्या भाई? टेली मार्केटिंग का मतलब है कि टेली कम्युनिकेशन को हम माध्यम बनाएंगे मार्केटिंग के लिए। यूजिंग द टेलीफोन टू कॉन्टैक्ट इंडिविजुअल्स अबाउट एडवर्टाइजर्स प्रोडक्ट और सर्विस और टू गेट सपोर्ट फॉर ए कॉज। टेस्ट मार्केटिंग, पूरे मार्केट में बड़े लेवल पे प्रोडक्ट लॉन्च नहीं कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं भाई? पूरे मार्केट में से एक पर्टिकुलर एरिया को आइडेंटिफाई करके स्मॉल लेवल पे कोई प्रोडक्ट हम लेके आते हैं, तो उसको कहते हैं टेस्ट मार्केटिंग। टेस्ट मार्केटिंग अकर्स व्हेन ए न्यू प्रोडक्ट इज टेस्टेड विद अ सैंपल ऑफ कस्टमर्स और लॉन्च्ड इन अ रेस्ट्रिक्टेड ज्योग्राफिकल एरिया टू जज कस्टमर्स रिएक्शन। थ्रेट, अपॉर्चुनिटी क्या है? एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का फेवरेबल कंडीशन। थ्रेट क्या है? एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का अनफेवरेबल कंडीशन। थ्रेट्स आर एनी एस्पेक्ट ऑफ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट व्हिच कॉज प्रॉब्लम्स एंड व्हिच मे प्रिवेंट अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। ऑलमोस्ट बाय डेफिनेशन व्हाट प्रेजेंट्स ए थ्रेट टू वन बिजनेस ऑफर्स एन अपॉर्चुनिटी टू अदर बिजनेस। हमारे लिए जो थ्रेट है किसी और के लिए अपॉर्चुनिटी हो सकता है, किसी और के लिए जो थ्रेट है हमारे लिए अपॉर्चुनिटी हो सकता है। यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन, यूएसपी। आपके प्रोडक्ट में, आपके स्ट्रेटजी में, आपके अप्रोच में वो फीचर, वो पॉइंट जिसके बेस पे
आप कस्टमर को टारगेट करते हो। ए यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन इज अ कस्टमर बेनिफिट दैट नो अदर प्रोडक्ट कैन क्लेम। वीकनेस क्या कहा था भाई, स्ट्रेंथ वीकनेस हमारा, अपॉर्चुनिटी थ्रेट इन्वायरमेंट का। तो वीकनेस क्या है, आपकी अपनी लिमिटेशंस, आपकी अपनी डिजेबिलिटीज, जिसके बेस पे राइवल आपका फायदा उठाएगा। ए लिमिटेशन और लैक ऑफ स्किल रिसोर्सेस और कैपेबिलिटीज दैट इंपेड्स फर्म्स इफेक्टिव परफॉर्मेंस। बैंकिंग टर्मिनोलॉजी, उसके बाद हमारा आएगा अदर टर्मिनोलॉजीज। तो बैंक्स में, बैंकिंग ट्रांजैक्शंस में क्या टर्मिनोलॉजीज यूज होते हैं, तो इसमें है एक एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस का मतलब क्या है, इसको बैंकर्स एक्सेप्टेंस भी कहते हैं, जिसमें बैंक एक्सेप्ट कर रही होती है। एक्सेप्टेंस विच इज ऑल्सो नोन एज बैंकर्स एक्सेप्टेंस इज अ साइंड इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्नॉलेजमेंट दैट इंडिकेट्स द अप्रूवल और एक्सेप्टेंस ऑफ ऑल टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ एनी एग्रीमेंट ऑन बिहाफ ऑफ द बैंकर। इट इज अ वेरी वाइड टर्म दैट इज यूज्ड इन कॉन्टेक्स्ट विद फाइनेंशियल एग्रीमेंट्स एंड कॉन्ट्रैक्ट्स। एक्सेप्टिंग हाउस, एक्सेप्टिंग हाउस क्या होता है भाई, एन एक्सेप्टिंग हाउस इज अ बैंकिंग और फाइनेंस ऑर्गेनाइजेशन दैट स्पेशलाइजेज इन द सर्विस ऑफ एक्सेप्टेंस एंड गारंटी ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। सही है, दिस ऑर्गेनाइजेशन स्पेशलाइजेशन इन टू प्रोमिनेंट फंक्शंस दैट इज फैसिलिटेटिंग द डिफरेंट निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एंड मर्चेंट बैंकिंग। अकाउंट बैलेंस, अकाउंट बैलेंस का मतलब क्या है, आपके अकाउंट में कितना बैलेंस है। द टोटल अमाउंट ऑफ मनी इन अ पर्टिकुलर बैंक अकाउंट अलॉन्ग विथ डेबिट एंड क्रेडिट अमाउंट्स, द नेट अमाउंट इज ऑल्सो टर्म्ड एज अकाउंट बैलेंस। एक्रूड इंटरेस्ट, एक्रूड इंटरेस्ट का मतलब इंटरेस्ट एक्रू हो गया है, इंटरेस्ट आपका बन गया है। एक्रूड इंटरेस्ट इज द इंटरेस्ट एक्यूमुलेटेड ऑन एन इन्वेस्टमेंट बट नॉट एट पेड। आपका कोई इन्वेस्टमेंट है, उस पर इंटरेस्ट एक्रू हो गया, बन गया, लेकिन अभी पेमेंट नहीं हुआ है। ऑफन एक्रूड इंटरेस्ट इज ऑल्सो टर्म्ड एज इंटरेस्ट रिसीवेबल। सम बैंकिंग बुक्स प्रेफर टू कॉल इट एज इंटरेस्ट That is earned but not yet paid. Administered rates, rate जो RBI या सरकार के द्वारा डिटरमाइन होती है उसको administered rate कहते हैं। Contractually इसको charge करते हैं। Administered rates are the rates of interest which can be changed contractually by lender. In some cases these rates can also be changed by the depositor and also by the pay. The laws and provisions that monitor the concept of administered rate differ in each jurisdiction. American depository receipt, हमारे लिए as such बहुत important नहीं है ये, ADR, American depository receipt is also known as ADR, a depository receipt which are equal to a specific number of shares of a company that have been issued in foreign country. Foreign country means हुआ है. American depository receipts are traded only in United States of America. तो हमारे लिए important नहीं है. Similar mechanism exist for other countries also. NUTs, ये आपने math में पढ़ा होगा. NUTs क्या होता है भाई? क्या? NUTs are contract that guarantee income or return in exchange of a huge sum of money that is deposited either at the same time or is paid with the help of periodic payments. Some of the common types of NUTs include the deferred, fixed, immediate or variable variants.
एनुइटीज क्या है? रेगुलर इंटरवल पे जो अमाउंट आएगा। ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस क्या होता है ना, बैंक में मेरा अकाउंट है आईसीआईसीआई बैंक में, आपका अकाउंट है मान लो एचडीएफसी बैंक में, मैंने आईसीआईसीआई का चेक दिया, आपने अपने बैंक में जमा कर दिया, आपका चेक क्लियर हुआ, डिजोनर हो गया, कैसे? तो यहां पे ऑटोमेटिक क्लियरिंग हाउस का काफी इंपॉर्टेंट रोल होता है। आरबीआई गवर्न करती है इसको। एन ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस इज अ नेशन वाइड इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग हाउसेस दैट मॉनिटर्स एंड एडमिनिस्टर्स द प्रोसेस ऑफ चेक, ये वाला चेक, एंड फंड क्लियरेंस बिटवीन बैंक्स। इट इज एन इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम एंड दस मिनिमाइजेज द ह्यूमन वर्क इन प्रोसेस ऑफ क्लियरेंस। इट डिस्ट्रीब्यूट्स क्रेडिट एंड डेबिट बैलेंसेस ऑटोमेटिकली। ऑटोमेटेड टेलर मशीन एटीएम, नाम सुना होगा आपने, कार्ड लगाया पैसा निकाला, बशर्ते आपके अकाउंट में पैसे हो तो। ऑटोमेटेड टेलर मशीन आर बेसिकली यूज टू कंडक्ट ट्रांजेक्शन विद द बैंक इलेक्ट्रॉनिकली, इसमें कोई कैशियर वगैरह की जरूरत नहीं होती। द ऑटोमेटेड टेलर मशीन इज एन एक्सेलेंट एग्जाम्पल ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ कंप्यूटर्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इन टू द बैंकिंग। बैलेंस ट्रांसफर का मतलब बीटी। लोन के केस में ये बड़ा फेमस है भाई। मान लीजिए हमने एक्स ऑर्गेनाइजेशन से होम लोन लिया, प्रॉपर्टी लोन लिया, मान लो 1 करोड़ रुपए का लिया, किससे? एक्स से। 2 साल 3 साल हमने एक्स को पेमेंट किया, उसके बाद मुझे ये लगता है यार यार रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा है, टर्म्स डिफिकल्ट है, मैंने वाई में अपना बैलेंस ट्रांसफर कर दिया। मतलब ये वाई ने एक्स को क्या किया, रीपे कर दिया, तो एक्स अब हमारा लोन देने वाला कंपनी नहीं है, अब क्या हो गया, वाई हमारी लोन देने वाली कंपनी है। ए बैलेंस ट्रांसफर इज ए पेमेंट ऑफ क्रेडिट डेप्ट विद द हेल्प ऑफ अनदर सोर्स ऑफ क्रेडिट। तो भाई यहां से हमने क्रेडिट लिया हुआ था, अनदर सोर्स ऑफ क्रेडिट। इन सम केसेस बैलेंस ट्रांसफर ऑल्सो रिफर्स टू ट्रांसफर ऑफ फंड फ्रॉम वन अकाउंट टू अनदर। यह भी आपने अपने कर्नाटका बैंक के अकाउंट से एचडीएफसी बैंक के अकाउंट में पैसा ट्रांसफर किया, या आपने एक्स के अकाउंट में अपने अकाउंट से ट्रांसफर किया, तो इसको भी बैलेंस ट्रांसफर बोलते हैं। लेकिन नॉर्मली जो बीटी टर्म्स है ये लोन ट्रांसफर वाले केस में यूज होता है। बैंक अकाउंट, आपका अकाउंट, ए बैंक अकाउंट इज एन अकाउंट हेल्ड बाय ए पर्सन विद अ बैंक विद द हेल्प ऑफ व्हिच द अकाउंट होल्डर कैन डिपॉजिट सेफगार्ड हिज मनी और इंटरेस्ट एंड ऑल्सो मेक चेक पेमेंट। बैंक रेट, वह रेट जिससे जिसपे आरबीआई सेंट्रल बैंक कॉमर्शियल बैंक को लोन देती है। इट इज द इंटरेस्ट रेट एट विच सेंट्रल बैंक इन डिस्चार्ज ऑफ इट्स फंक्शंस एज बैंकर्स बैंक लेन टू कॉमर्शियल बैंक। और कॉमर्शियल बैंक जो रेट आपको देती है उसको कहते हैं इंटरेस्ट रेट। सिंस दिस लेंडिंग मे बी इन द फॉर्म ऑफ डिस्काउंटिंग ऑफ सिक्योरिटीज प्लेस्ड, इट इज ऑल्सो कॉल्ड डिस्काउंट रेट। बेसिस पॉइंट, 100 बेसिस पॉइंट मतलब एक। अब सेंट्रल बैंक अपने रेट्स में उतार चढ़ाव करती है, तो 25 बेसिस पॉइंट का मतलब हुआ 0.25%। इट इज अ मेजर ऑफ चेंज इन फाइनेंशियल पैरामीटर सच एज इंटरेस्ट स्टॉक इंडिसेस एंड पारा मार्केट रेट्स। इट इज 1/100 of 1%। ब्रिज फाइनेंसिंग, गैप फाइनेंसिंग, क्या भाई, कहीं से आपको पैसे आने वाले हैं और कहीं देने हैं 10 दिसंबर को, आने हैं 31 मार्च को, अब इन बिटवीन
फंड कहीं से आप अरेंज करते हैं तो उसको कहते हैं ब्रिज फाइनेंसिंग, ऑल्सो नोन एज गैप फाइनेंसिंग. ब्रिज फाइनेंसिंग इज अ लोन वेयर द टाइम एंड कैश फ्लो बिटवीन ए शॉर्ट टर्म लोन एंड लॉन्ग टर्म लोन इज फिल्ड अप. ब्रिज फाइनेंसिंग बिगिंस विद द एंड ऑफ द टाइम पीरियड ऑफ द फर्स्ट लोन एंड एंड्स विद द स्टार्ट ऑफ द टाइम पीरियड ऑफ सेकेंड लोन, देयर बाय ब्रिजिंग द गैप बिटवीन टू लोन्स. इट इज ऑल्सो नोन एज गैप फाइनेंसिंग. बाउंस चेक. बाउंस चेक का मतलब मेनली हम क्या समझते हैं कि भाई हमने बैंक में चेक दिया और मान लो आपके नाम से हमने चेक ड्रॉ कर दिया 5 करोड़ रुपए और हमारे अकाउंट में 5 रुपए नहीं है, तो आप अपने बैंक में जब वो चेक जमा करोगे तो क्या हो जाएगा? बाउंस हो जाएगा. तो एक तो इनसफिशियंट फंड के कारण होगा, टेक्निकल भी कुछ हो सकता है, सिग्नेचर मेरा टैली नहीं किया, चेक पे कुछ ओवर राइटिंग वगैरह हो गई, डेट वगैरह की एरर हो गई. तो इससे यदि बैंक आप चेक जमा करते हो और आपका बैंक उसको ऑनर करने से मना करती है तो उसको कहते हैं बाउंस चेक. ए बाउंस चेक इज नथिंग बट एन ऑर्डिनरी बैंक चेक दैट एनी बैंक कैन रिफ्यूज टू इन कैश और पे बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट देर आर नो सफिशियंट फाइनेंस इन द बैंक अकाउंट ऑफ द ओरिजिनेटर और ड्रॉअर ऑफ द चेक और सम अदर वैलिड रीजन. दूसरे रीजन भी हो सकते हैं. कैप, लिमिट लगाना. ए कैप इज अ लिमिट दैट रेगुलेट्स द इंक्रीज और डिक्रीज इन द रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड इंस्टॉलमेंट्स ऑफ एन एडजस्टेबल रेट मॉर्गेज. कैशियर चेक, बैंकर्स चेक. द कैशियर्स चेक इज ड्रॉन बाय ए बैंक ऑन इट्स ओन नेम to make payments to other organizations, bank corporations or even individuals. Bankers check होता है, cashier check. Bank ने अपने नाम पे withdraw किया. Cash reserve क्या होता है भाई? बोलो. The cash reserve is the total amount of cash that is present in bank account and can also be withdrawn immediately. CRR नहीं है, cash reserve ratio नहीं है. आपके account में 40,000 रुपए हैं तो आपका cash reserve है, आप withdraw कर सकते हो. Certificate of deposit. बैंक में पैसा जमा किया, fixed deposit किया, बैंक ने उसके बदले में आपको certificate of deposit दिया. The certificate of deposit is a certificate of saving deposit that promises the depositor the sum back along with appropriate interest. Check क्या है? एक negotiable instrument. A check is a negotiable instrument that instructs bank to pay particular amount of money from the writer's bank to the receivers of the check. Clearing. Check. अब हमने draw किया तो उसकी clearing भी होनी चाहिए ना. ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस के थ्रू होता है. क्लियरिंग ऑफ ए चेक इज बेसिकली अ फंक्शन दैट इज एग्जीक्यूटेड एट द क्लियरिंग हाउस व्हेन ऑल अमाउंट ऑफ चेक इज सब्स्ट्रैक्टेड फ्रॉम पेज अकाउंट एंड देन एडेड टू द पेयर्स अकाउंट. से सब्स्ट्रैक्ट करके पेई के अकाउंट में एड कर देते हैं. मैंने चेक आपके नाम पे लिखा तो मैं पेयर हूं, आप पेई हैं, मेरे अकाउंट से अमाउंट सब्स्ट्रैक्ट होगा, आपके अकाउंट में ऐड होगा. क्लियरिंग हाउस वही जो अभी बताया, ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस. द क्लियरिंग हाउस इज अ प्लेस वेयर द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ डिफरेंट बैंक्स मीट फॉर कंफर्मिंग एंड क्लियरिंग ऑल द चेक्स. हमेशा ध्यान रखिएगा ये कौन सा चेक है. एंड बैलेंसेस विथ अदर ईच अदर. द क्लियरिंग हाउस इन मोस्ट कंट्रीज अक्रॉस द वर्ल्ड इज मैनेज्ड बाय सेंट्रल बैंक. तो इंडिया में कौन? आरबीआई. कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट आपने पढ़ा होगा मैथ में, टाइम वैल्यू ऑफ मनी में क्या होता भाई? कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है? प्रिंसिपल में इंटरेस्ट जोड़ देते हैं एक पीरियड के बाद, एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद. कंपाउंड इंटरेस्ट इज द इंटरेस्ट दैट इज कंपाउंडेड ऑन ए सम ऑफ मनी दैट इज डिपोजिटेड. The compound interest, unlike simple interest, is calculated by taking into consideration the principal amount and the accumulated interest. Debit card. क्या होता है भाई debit card?
आप सब लोगों के पास होगा, जिसके थ्रू एटीएम वगैरह में आप ट्रांजेक्शन करते हो, या आजकल डेबिट कार्ड से सेल परचेज भी कर लेते हो। एटीएम कार्ड पहले एनी टाइम मनी होता था, अब वही डेबिट कार्ड में कन्वर्ट हो गया, एटीएम कम डेबिट कार्ड। ए डेबिट कार्ड इज एन इंस्ट्रूमेंट दैट वॉज डेवलप्ड विथ डिजिटल कैश टेक्नोलॉजी एंड यूज व्हेन अ कस्टमर मेक्स दैट पेमेंट फर्स्ट टू क्रेडिट कार्ड कंपनी एंड देन स्वाइप्स द कार्ड। द डेबिट कार्ड ऑपरेट्स इन एग्जैक्ट अपोजिट मैनर द क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड में क्या होता है, पहले संभाल लेते हैं बाद में पैसा देते हैं, या पहले पैसा देते हैं बाद में सामान मिलता है। डिपॉजिट स्लिप बैंक में देखा होगा भाई, डिपॉजिट स्लिप, चेक, कैश, कैश का डिनोमिनेशन होता है, दो पार्ट में होता है, एक पार्ट बैंक रख लेती है, एक पे ठप्पा लगा के आपको दे देती है। डिपॉजिट स्लिप इज ए बिल ऑफ आइटमाइज नेचर एंड डिपिक्स द अमाउंट ऑफ पेपर मनी क्वाइंस एंड द चेक नंबर। चेक हमेशा ध्यान रखिए ये कौन वाला है, दैट आर बीइंग डिपॉजिटेड इनटू बैंक अकाउंट। डिपॉजिटर पैसा जमा करने वाला, द पर्सन हु डिपॉजिट्स मनी इनटू अकाउंट इनटू बैंक अकाउंट इज कॉल्ड अ डिपॉजिटर। डेप्ट सेटलमेंट, डेप्ट का सेटलमेंट, मान लो मैंने आपसे उधार ले रखा है 5 करोड़ रुपए, पैसे मैं नहीं दे पा रहा, सेटलमेंट किया भाई, इतने में कहानी खत्म करो, साफ करो। डेप्ट सेटलमेंट इज अ प्रोसीड्योर वेयर इन ए पर्सन इन डेप्ट निगोशिएट्स द प्राइस विद द लेंडर ऑफ द लोन इन ऑर्डर टू रिड्यूस द इंस्टॉलमेंट, इन ऑर्डर टू रिड्यूस द इंस्टॉलमेंट एंड द रेट ऑफ रीपेमेंट एंड इंश्योर्स ए फास्ट एंड गारंटेड रीपेमेंट। इसमें हम ये गारंटी भी देते हैं कि भाई आपका पैसा हम निश्चित रूप से आपको पे करेंगे, तो इसको कहते हैं डेप्ट सेटलमेंट। तो डेप्ट सेटलमेंट क्या हुआ भाई, डेप्ट सेटलमेंट में क्या करेंगे, डेप्ट सेटलमेंट में निगोशिएट करते हैं कि इतने में, इतने दिन में मैं पे कर दूंगा, तो गारंटेड रीपेमेंट होता है, फास्ट होता है, लेकिन जितने का डेप्ट होता है उससे कम। डेप्ट रीपेमेंट, डेप्ट रीपेमेंट इज द टोटल प्रोसेस रीपेमेंट ऑफ ए डेप्ट अलोंग विथ इंटरेस्ट। डेप्ट का रीपेमेंट, उधार का पेमेंट। समटाइम्स द कंसोलिडेशन दैट इज प्रोवाइडेड इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन द डेप्ट रीपेमेंट। डेप्ट रिकवरी, उधार की रिकवरी। डेप्ट रिकवरी इज द प्रोसेस दैट इज इनिशिएटेड बाई बैंक्स एंड लेंडिंग इंस्टीट्यूशन बाई वेरियस प्रोसीड्यूट्स लाइक डेप्ट सेटलमेंट और सेलिंग ऑफ कोलैटरल्स। E-cash, electronic cash, also known as electronic cash and digital cash, E-cash is a technology where the banking organization resorts to use the electronic computer, internet and other networks to execute transaction and transfer funds. अब जैसे मान लो आई मोबाइल, इंटरनेट मोबाइल, बैंकों के एप्स आप डाउनलोड करते हो और ट्रांजेक्शन करते हो, तो E-cash है बेसिकली वो। अर्ली विड्रॉल पेनाल्टी, एन अर्ली विड्रॉल पेनाल्टी इज बेसिकली ए पेनाल्टी दैट इज लेवीड बाई बैंक बिकॉज ऑफ एन अर्ली विड्रॉल ऑफ फिक्स इन्वेस्टमेंट बाई एन इन्वेस्टर। अब मान लो फिक्स डिपोजिट आपका 7 साल के लिए था, 4 साल में ही बोल लो पैसे दो मेरे, तो बैंक क्या करती है, अर्ली विड्रॉल पेनाल्टी लगा देती है। मतलब आपसे मान लो 7 साल में बैंक ने 10% इंटरेस्ट कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ था, तो बोला जी आप पहले ले रहे हो, हमने तो उस पैसे का दूसरा हिसाब किताब लगाया हुआ था, हम 6% इंटरेस्ट देंगे। तो फिक्स डिपॉजिट में नॉर्मली क्या होता है, आप समय के पहले जब पैसे विड्रॉ करते हो तो सेविंग डिपॉजिट वाला इंटरेस्ट पकड़ा देते हैं। देयर कैन बी सेवरल टाइप्स ऑफ अर्ली विड्रॉल पेनाल्टीज लाइक फॉरफिटिंग द प्रॉमिस्ड इंटरेस्ट, अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट, अर्नेस्ट मनी, बयाना
एन अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट इज मेड बाय द बायर टू द पोटेंशियल सेलर फॉर ए रियल एस्टेट इन द इनिशियल स्टेज ऑफ निगोशिएशन ऑफ परचेज. शुरू में जमीन खरीदने जाते हैं, घर खरीदने जाते हैं, तो बयाना देके आते हैं 10%, उसमें फिर एग्रीमेंट बनता है, तो उसको कहते हैं अर्नेस्ट मनी. एक्सपायरेशन डेट खत्म हो जाएगा भाई, एक्सपायर हो जाएगा. दिस टर्म इंडिकेट्स द इनवैलिडिटी ऑफ फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट और इंस्ट्रूमेंट आफ्टर स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम. एजुकेशन लोन, पढ़ाई के लिए लोन, नॉर्मली उस पर इंटरेस्ट काफी कम होता है. और लोन का रीपेमेंट कब होता है? जब आपकी पढ़ाई पूरी हो जाए, जॉब शुरू हो जाए. एन एजुकेशन लोन ऑल्सो नोन एज ए स्टूडेंट्स लोन इज स्पेसिफिकली मीन टू प्रोवाइड फॉर बोरोअर्स एक्सपेंडिचर टुवर्ड्स एजुकेशन. इन द मेजोरिटी ऑफ कंट्रीज एजुकेशन लोन टेंड टू हैव लो रेट ऑफ इंटरेस्ट. द पीरियड ऑफ रीपेमेंट ऑल्सो स्टार्ट आफ्टर कंप्लीशन पीरियड ऑफ द लोन. मतलब आपका एजुकेशन कंप्लीट होने के बाद, एजुकेशन के दरमियान पैसे मिलते हैं, और जब एजुकेशन हो जाएगा तब रीपेमेंट शुरू होगा. डिग्री मिल जाएगी तो गारंटर कौन होता है? जो रीपेमेंट की गारंटी देता है. ए गारंटर इज ए क्रिएटर ऑफ ट्रस्ट हु टेक्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रीपेमेंट ऑफ ए लोन एंड इज ऑल्सो इन सम केसेस लायबल एंड इक्वली रिस्पॉन्सिबल फॉर द रीपेमेंट ऑफ लोन. इंस्टॉलमेंट कॉन्ट्रैक्ट, इंस्टॉलमेंट कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, फ्रिज परचेज करके लाए, हार परचेज, एक साल तक 2,000 रुपए देंगे, इंस्टॉलमेंट कॉन्ट्रैक्ट है. एन इंस्टॉलमेंट कॉन्ट्रैक्ट इज ए कॉन्ट्रैक्ट वेयर द बोरोअर व्हिच आल्सो द परचेजर पेज ए सीरीज ऑफ इंस्टॉलमेंट दैट इंक्लूड्स द इंटरेस्ट ऑफ द प्रिंसिपल अमाउंट. इंटरेस्ट, इंटरेस्ट रेट क्या भाई? बोरोअर जो पैसे यूज करने के बदले चार्ज देता है, इंटरेस्ट रेट है. इंटरेस्ट इज द चार्ज दैट इज पेड बाई एनी बोरोअर और डेटर फॉर द यूज ऑफ मनी. बोरोअर या डेटर मनी यूज करने के बदले देता है. व्हिच इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट, टाइम पीरियड ऑफ डेप्ट एंड द प्रिंसिपल अमाउंट दैट वॉज बोरोड. इंटरेस्ट इज समटाइम्स ऑल्सो टाइटल द कॉस्ट ऑफ क्रेडिट. बहुत समय इंटरेस्ट क्या होगा यह सामने वाले के क्रेडिट वर्दीनेस पे भी डिपेंड करता है. आप जिस रेट पे लोन लेने जाएंगे, विजय माल्या को भी उसी रेट पे थोड़ी मिला था, कम रेट पे मिला था, भाग गया. इंटरेस्ट रेट इज द परसेंटेज ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट दैट इज पेड एज इंटरेस्ट फॉर द यूज ऑफ मनी. इंटरनेट बैंकिंग खूब करते हैं आप लोग क्या भाई? इंटरनेट बैंकिंग इज ए सिस्टम वेयर इन कस्टमर कैन कंडक्ट देयर ट्रांजेक्शन थ्रू द इंटरनेट. दिस काइंड ऑफ बैंकिंग इज ऑल्सो नोन एज ई बैंकिंग और ऑनलाइन बैंकिंग. लेटर ऑफ क्रेडिट ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बिजनेस में यूज होता है. मान लो मैं इंडिया से अमेरिका में एक्सपोर्ट करने की सोच रहा हूं. मैं इंडिया से मिस्टर एस अमेरिका के मिस्टर ए को कोई सामान एक्सपोर्ट करना चाह रहा हूं. या चलो ऐसा करते हैं, मैं इंडिया से मिस्टर एस अमेरिका से कोई सामान इंपोर्ट करना चाह रहा हूं. अब भाई क्या हो सकता है? ए ने हमें सामान दे दिया, हमने कहा कि भाई भेजो सामान, पैसे देंगे. बाद में बोला कौन सा पैसा, कैसा पैसा. अब ए इंडिया आकर के सूट फाइल करेगा, केस लड़ेगा. या अच्छा चलो मान लो सब पैसे मैंने पहले भेज दिए, ए ने कहा कौन सा सामान, कैसा सामान, अब मैं अमेरिका में जाके सूट फाइल करूंगा. तो यह लेटर ऑफ क्रेडिट होता है. लेटर ऑफ क्रेडिट एक बैंक के द्वारा गारंटी होती है. किसको? एक्सपोर्ट करने वाले को, फॉरेन कंट्री में. कि आप इतने वैल्यू तक का सामान इन्हें बेच सकते हो, एक्सपोर्ट कर सकते हो. ऑन प्रेजेंटेशन ऑफ इनवॉइस हमारा लोकल ब्रांच आपको पे करेगा. तो एक तरह से गारंटी होगी कि भाई दे दो सामान, पैसे तो मिल जाएंगे. ए डॉक्यूमेंट इश्यूड बाय ए बैंक ऑन बिहाफ ऑफ बायर
or the importer stating its commitment to pay to a third party, seller or the exporter, a specific amount for the purchase of good by its customer, who is the buyer. The seller has to meet the condition given in the document and submit the relevant document in order to receive payment. On presentation of invoice, to invoice present karega to bill. Letter of credit are mainly used in international trade transaction of huge amount, wherein customer and the supplier live in different countries. Lock in period kya hota bhai, us period tak aap kya म्यूचुअल फंड में पैसा लगाया, हर साल एक एक हजार रुपए, लॉक इन पीरियड 3 साल का है, तो 3 साल तक मैं पैसे विड्रॉ नहीं कर सकता. रेंट पे जगह लिया 5 साल के लिए, लॉक इन पीरियड 2 साल का है, मतलब 2 साल में जगह खाली न कर सकता हूं न करा सकता है. ए गारंटी गिवेन बाय द लेंडर दैट देयर विल बी नो चेंज इन कोटेड मॉर्गेज रेट्स फॉर ए स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम, which is called lock in period. Mortgage, legal agreement होता है between two parties, जिसमें किसी प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में सामने वाले से मैं पैसे मिलता है, रीपेमेंट नहीं करूंगा तो प्रॉपर्टी ले जाएगा. ए मॉर्गेज इज अ लीगल एग्रीमेंट बिटवीन लेंडर एंड द बोरोअर वेयर द रियल एस्टेट प्रॉपर्टी इज यूज एज कोलैटरल फॉर द लोन इन ऑर्डर टू सिक्योर पेमेंट ऑफ डेट. According to the mortgage agreement, the lender of the loan is authorized to confiscate, जब्त करना, property the moment borrower stops paying installment. Maturity, पूरा हो जाना. The term maturity is used to indicate the end of investment period of any fixed investment or security. After maturity, the investor is repaid the invested amount along with the interest that has been accumulated. Maturity पे क्या मिलेगा हमें? तो जो पैसा हमने invest करा है और जो agreed interest है. For example, on the maturity of 1 year fixed deposit, the invested sum along with accumulated interest is transferred by bank to the account of the investor. Market value, market में क्या value है? सही है, करंट मार्केट वैल्यू क्या है? मार्केट वैल्यू इज द वैल्यू एट विच डिमांड ऑफ कस्टमर्स एंड द सप्लाई ऑफ मैन्युफैक्चरर्स डिसाइड द प्राइस ऑफ कॉमोडिटी और सर्विस. मार्केट प्राइस, द मार्केट वैल्यू इज द इक्विलिब्रियम पॉइंट ऑन द सप्लाई एंड डिमांड ग्राफ. इकोनॉमिक्स में पढ़े ना, यही होते हैं ये जो इक्विलिब्रियम है, ये मार्केट प्राइस है, यही मार्केट वैल्यू है, यही इक्विलिब्रियम प्राइस है. वेयर द डिमांड एंड सप्लाई का मिट्स, दस मार्केट वैल्यू इज डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ पीपल हु डिमांड ए कॉमोडिटी एंड द नंबर ऑफ कॉमोडिटीज दैट द सेलर्स आर कैपेबल ऑफ सेलिंग. ऑनलाइन बैंकिंग, ऑनलाइन इंटरनेट, अभी बताया. The assessing of bank information, accounts and transaction with the help of computer through financial institutions website on internet is called online banking. It is also called internet banking or e-banking. Overdraft, account में 10 रुपया, 15 रुपया withdraw किया, 5 रुपये का OD है हमारे पास, overdraft है. Check, कौन सा वाला check? ये, it is a check or rather an amount of check which is above the balance available in the account of the payer. कितना है? 10. और हमारी कैपेसिटी कितनी है? 15 रुपए. तो 5 रुपए का हमारे पास क्या है? ओडी, ओवरड्राफ्ट. पे जो पैसा लेगा, जिसको मिलेगा. पे इज द पर्सन टू होम मनी इज टू बी पेड बाय द पेयर, पेयर देने वाला. पेयर इज द पर्सन हु पेज द मनी टू द पे. पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर, पिन नंबर होता है ना आपका, एटीएम पिन मांगता है ना. पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर और पिन इज ए सेक्रेट कोड ऑफ नंबर्स एंड अल्फाबेट्स गिवन टू कस्टमर टू परफॉर्म ट्रांजेक्शंस थ्रू द ऑटोमेटिक टेलर मशीन और एन एटीएम. रेपो रेट, वह रेट जिस पे आरबीआई
कॉमर्शियल बैंक को शॉर्ट टर्म लोन देती है। द रेट एट विच बैंक्स बोरो मनी फ्रॉम आरबीआई अगेंस्ट प्लेजिंग और सेल ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज टू आरबीआई इज नोन एज रेपो रेट। शॉर्ट टर्म मतलब 2 सप्ताह के लिए, 15 दिन। रेपो रेट इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ रीपर्चेज रेट। जनरली दीज लोन्स आर ऑफ शॉर्ट ड्यूरेशन अप टू 2 वीक्स। रेपो रेट डिफर्स फ्रॉम बैंक रेट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम ओरिजिन। बैंक रेट क्या होता है? लॉन्ग टर्म, और रेपो रेट शॉर्ट टर्म। रेपो रेट इज द शॉर्ट टर्म मेजर दैट एंड इट रेफर्स टू शॉर्ट टर्म लोन। ऑन द अदर हैंड बैंक रेट इज लॉन्ग टर्म मेजर एंड गवर्न्ड बाय लॉन्ग टर्म मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ आरबीआई। रिवर्स रेपो रेट वह रेट जिसपे आरबीआई कॉमर्शियल बैंक से शॉर्ट टर्म लोन लेती है। आरबीआई लोन देती भी है, लोन लेती भी है बैंकों से। इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट अफोर्ड बाय आरबीआई व्हेन द बैंक डिपॉजिट देयर सरप्लस फंड विद द आरबीआई फॉर शॉर्ट पीरियड। स्मार्ट कार्ड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड क्या होता है भाई? स्मार्ट कार्ड ही तो होता है, पीछे मैग्नेटिक स्ट्रिप होता है, उसमें सारा इंफॉर्मेशन होता है। सॉरी, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ये आपका चलता है किसके बेस पे? मैग्नेटिक स्ट्रिप के बेस पे। स्मार्ट कार्ड में चिप लगा होता है, जैसे आपका ये होता है ना मेट्रो का कार्ड दिल्ली में, तो स्मार्ट कार्ड होता है, उसमें एक चिप लगा होता है जिसमें सारा इंफॉर्मेशन होता है। अनलाइक डेबिट कार्ड एंड क्रेडिट कार्ड विथ मैग्नेटिक स्ट्रिप, स्मार्ट कार्ड प्रोसेसेस ए कंप्यूटर चिप व्हिच इज यूज्ड फॉर डेटा स्टोरेज, प्रोसेसिंग एंड आइडेंटिफिकेशन। सिंडिकेटेड लोन, एक बड़ा लोन छोटे कई सारी छोटे बैंक मिलके दे, तो उसको कहते हैं सिंडिकेटेड लोन, ठीक है। उसमें एक लीड बैंकर होता है, जैसे विजय माल्या को जो लोन मिला था ना उसमें एसबीआई लीड बैंकर था, और कई सारी छोटी बैंक्स मिलकर के वो फंड दी थी भाग क्या लेके। ए वेरी लार्ज लोन एक्सटेंडेड बाई ए ग्रुप ऑफ ए स्मॉल बैंक टू ए सिंगल बोरोअर, स्पेशली कॉर्पोरेट बोरोअर। In most cases of syndicated loan, there will be a lead bank, SBI lead bank थी, जो guarantee देती है छोटे बैंकों के कि हम repayment कराएंगे, which provides a part of the loan and syndicates the balance amount to other bank. Time deposit, एक certain period के लिए बैंकों के पास पैसा जमा हुआ है। A kind of bank deposit which the investor is not able to withdraw before a time fixed. When making the deposit, value at risk, क्या भाई? The sum or portion of the value that is at stake subject to loss from variation in prevalent interest rate. अब मान लीजिए हमने 10 लाख का कोई investment किया, value at risk 4 लाख है, तो 4 लाख variation in interest पे affected होगा, 6 लाख फिक्स्ड है, तो उसको क्या कहते हैं भाई? वैल्यू एट रिस्क। क्या कहते हैं उसको? वैल्यू एट रिस्क। सही है? होलसेल बैंकिंग क्या होगा भाई? ये बैंक्स होते हैं जो किसी कॉरपोरेट ऑर्गेनाइजेशन के सारे बैंकिंग ट्रांजैक्शन परफॉर्म करते हैं, उसको कहते हैं होलसेल बैंकिंग। होलसेल बैंकिंग इज अ टर्म यूज्ड फॉर बैंक व्हिच ऑफर सर्विसेज टू अदर कॉरपोरेट एंटिटीज, लार्ज इंस्टीट्यूशन एंड अदर बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस। उसके सारे बैंकिंग ट्रांजेक्शन, बैंकिंग रिक्वायरमेंट जो भी है वो सारा पूरा करते हैं, उसको होलसेल बैंकिंग कहते हैं। जीरो बैलेंस अकाउंट, जिसमें बैलेंस, मिनिमम बैलेंस मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। ए बैंक अकाउंट व्हिच डज नॉट रिक्वायर एनी मिनिमम बैलेंस इज टर्म्ड एज जीरो बैलेंस अकाउंट। जीरो डाउन पेमेंट मॉर्गेज, सामान खरीदते समय डाउन पेमेंट कुछ नहीं करना है, टोटल पेमेंट इंस्टॉलमेंट में होगा। जीरो डाउन पेमेंट मॉर्गेज इज ए टाइप ऑफ मॉर्गेज गिवेन टू अ बायर हु डज नॉट मेक एनी डाउन पेमेंट व्हाइल बोरोइंग। The mortgage buyer borrows the amount at the entire purchase price. For example, ये नहीं है भाई, ये गलत है, यह नहीं होगा।
जीरो बैलेंस अकाउंट का एग्जांपल जनधन अकाउंट, ये जीरो बैलेंस का अकाउंट, ये नीचे गलत से लिखा गया, अभी ध्यान दीजिएगा। अब लास्ट इसमें बचा हमारा अदर बिजनेस टर्मिनोलॉजी, क्या क्या हमने देख लिया, शेयर मार्केट के टर्म्स देख लिए, सही है भाई, मार्केटिंग टर्मिनोलॉजी देख ली हमने, अब क्या देखना है हमें, अदर बिजनेस टर्मिनोलॉजी। एक्विजिशन मर्जर बताया था, दो ऑर्गेनाइजेशन अपनी चॉइस से एक दूसरे के साथ मिल रही है, मर्जर फ्रेंडली टर्म्स पे होता है। एक्विजिशन एक्वायर कर लिया, आपकी मर्जी नहीं है ना तब भी एक्वायर कर लिया, इंपैक्ट यही होगा कि दो मिलके एक हो गए, लेकिन एक में प्यार से मिले और एक में जबरदस्ती, मर्जी के खिलाफ भी। व्हेन वन ऑर्गेनाइजेशन टेक्स ओवर अदर ऑर्गेनाइजेशन एंड कंट्रोल ऑल इट्स बिजनेस ऑपरेशन, इट इज नोन एज एक्विजिशन, ठीक है ना। दो लोगों में प्यार मोहब्बत शादी हो गई, मर्जर है, और पकड़ के शादी करवा दिया तो क्या है भाई, एक्विजिशन। इन दिस प्रोसेस ऑफ एक्विजिशन वन फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन ओवर पावर्स द वीकर वन, बैंकरप्सी भाई, उधार है, लाइबिलिटीज है, पे करने के लिए पैसे नहीं है, बैंकरप्ट, दिवालिया। ए बैंकरप्सी रिफर्स टू इकोनॉमिक इन्वॉल्व इंसॉल्वेंसी वेयर इन द पर्सन्स एसेट्स आर लिक्विडेटेड टू पे ऑफ द लाइबिलिटीज विद द हेल्प ऑफ बैंकरप्सी ट्रस्टी और कोर्ट ऑफ लॉ। बॉटम लाइन मेन पॉइंट क्या है, मेन पॉइंट क्या है, ठीक है। तो ऐसे देखा जाए तो किसी भी इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन के लिए बॉटम लाइन क्या है भाई, प्रॉफिट अर्न करना। लेकिन आज के वर्ल्ड में बातें बदल गई है, आज के वर्ल्ड में बॉटम लाइन तीन चीजों को रखा गया, ट्रिपल पी। ट्रिपल पी को कहा जाता है बॉटम लाइन है, पीपल प्लानेट प्रॉफिट, ट्रिपल पी। पुराने जमाने में बॉटम लाइन क्या था, प्रॉफिट, आज क्या है भाई, ट्रिपल पी, पीपल, काम करने वाले लोग, सोसाइटी, प्लानेट, जलवायु वातावरण, और प्रॉफिट। इन प्लेन इंग्लिश बॉटम लाइन मींस द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट और एस्पेक्ट ऑफ एनीथिंग, लेकिन बीसीके में बॉटम लाइन का मतलब ट्रिपल पी। इन बीसीके इट मे बी डिफाइंड एज द फॉर्म्स इनकम आफ्टर ऑल एक्सपेंसेस हैव बीन डिडक्टेड फ्रॉम रेवेन्यूज, दीज एक्सपेंसेस इंक्लूड इंटरेस्ट चार्जेज पेड ऑन लोन्स, जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट एंड इनकम टैक्स। इन सिंपलर वर्ड्स इट इज सेम थिंग एज नेट प्रॉफिट फॉर दीज मैटर, फॉर दीज मैटर्स द मोस्ट फॉर द ओनर ऑफ द फर्म। इन टूडेज कंटेक्स्ट, आज के वर्ल्ड में देखा जाए तो क्या भाई, इन टूडेज कंटेक्स्ट फर्म्स परफॉर्मेंस इज इवेल्युएटेड नॉट ऑन द बेसिस ऑफ सच एज इकोनॉमिक परफॉर्मेंस एज नेट प्रॉफिट अलोन, बट ऑल्सो ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रीब्यूशन टू द कॉम्युनिटीज एंड द कंजर्वेशन ऑफ द इन्वायरमेंट। तो क्या कहा हमने, क्या कहा, पीपल प्लानेट प्रॉफिट, अलोंग विथ प्रॉफिट, आपको इन दोनों को भी ध्यान में रखना है, सी ट्रिपल बॉटम लाइन आगे आएगा। बिजनेस इन्वायरमेंट पढ़े पीछे, क्या भाई, बिजनेस इन्वायरमेंट का मतलब ऑल द फोर्सेस इवेंट्स व्हिच आर रिलेवेंट फॉर द फंक्शनिंग ऑफ एनी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, इट इज ए सेट ऑफ ऑल द वेरिएबल्स एक्सटर्नल टू फॉर्म बट इन्फ्लुएंसेस इट्स डिसीजन मेकिंग एंड इन टर्न आर ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय इट। बिजनेस फैसिलिटेटर पढ़े थे चैप्टर नंबर 4 में, बीसीके में, फैसिलिटेटर्स
कौन है भाई? इंडिविजुअल्स, ऑर्गेनाइजेशंस, जो हमें हमारे व्यापार करने में सहायता देते हैं। दीज आर इंडिविजुअल्स, ऑर्गेनाइजेशंस, इंस्टीट्यूट्स एंड ऑल अदर अरेंजमेंट दैट इज द सेटिंग अप ऑफ ऑपरेटिंग एंड एग्जिस्टिंग फ्रॉम बिजनेस। कॉरपोरेट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, चैप्टर वन में पढ़े थे ना, क्या क्या हो सकता है भाई? सोल प्रोप्राइटर हो सकता है, एचयूएफ हो सकता है, पार्टनरशिप हो सकता है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप हो सकता है, कंपनी हो सकती है। तो कॉरपोरेट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है? सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट। दीज आर द फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन वेयर इन द आईज ऑफ लॉ बिजनेस एंटिटी इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स ओनर्स। इट कैन ओन द एसेट्स एंड ओ टू अदर्स एज एन आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। दस द लायबिलिटी ऑफ बिजनेस ओनर कैन बी लिमिटेड टू अ प्री डिटरमाइंड अमाउंट। कंपनी इज द आइडियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉरपोरेट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। कॉरपोरेट गवर्नेंस, कंपनी को चलाने का तरीका। आजकल कॉरपोरेट गवर्नेंस को लेकर के बहुत सारी बातें हैं। आजकल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो मॉडल कॉरपोरेट सिटीजन की तरह काम करेंगे, मतलब लॉ ऑफ लैंड को फॉलो करेंगे, अप्लीकेबल लॉ को फॉलो करेंगे। इट इज अ सिस्टम ऑफ ओवरसीइंग द अफेयर्स ऑफ ए कॉरपोरेशन टू इंश्योर दैट दे आर कंडक्टेड इन एन एथिकल मैनर एंड एज पर द प्रोविजन ऑफ द लॉ। द मैकेनिज्म ऑफ कॉरपोरेट गवर्नेंस इंक्लूड्स द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हु अपॉइंट, ओवरसी एंड रिवार्ड द मैनेजमेंट टीम, इंडिपेंडेंट ऑडिट ऑफ द अकाउंट ऑफ ए कंपनी, रिपोर्टिंग ऑफ द परफॉर्मेंस टू द मार्केट, स्टॉक एक्सचेंजेज एंड बिजनेस मीडिया। ऑल दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ द सिस्टम ऑफ कॉरपोरेट गवर्नेंस। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, ई कॉमर्स पढ़ा था बैंक में भी। इट ब्रॉडली रेफर्स टू द इंटरनेट एंड मोबाइल टेलीफोनी बेस्ड एप्लीकेशन फॉर कंडक्टिंग बिजनेस एंड कॉमर्स। The latter more precisely is known as mobile commerce. It includes not only such as pure e-commerce business like Amazon, but also includes such as business functions as e-marketing, internet marketing. Usually a typical e-commerce retailing will have an order placement, tracking, delivery, and as well as online payment end. Electronic filing. इलेक्ट्रॉनिकली इंटरनेट के माध्यम से आप मान लो अपने रिटर्न फाइल कर रहे हो, अपनी फी पे कर रहे हो, ई फाइलिंग है। इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग इज अ सिस्टम ऑफ फाइलिंग इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड बाय रेगुलेटर, गवर्नमेंट एंड अदर इलेक्ट्रॉनिकली। इन टैक्सेशन इट इज ए मेथड ऑफ फाइलिंग टैक्स रिटर्न एंड टैक्स फॉर्म ऑन द इंटरनेट। ग्लोबलाइजेशन पढ़ाया था पीछे, वर्ल्ड के एक कंट्री के इकोनॉमी को रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के इकोनॉमी के साथ जोड़ना बाय फ्री मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, कैपिटल, टेक्नोलॉजी, सो दैट वर्ल्ड एट लार्ज शुड बी ट्रीटेड एज अ सिंगल ग्लोबल विलेज वेयर देयर शुड नॉट बी एनी ट्रेड रिलेटेड रेस्ट्रिक्शन। इट इज अ सिस्टमेटिक प्रोसेस ऑफ रिमूविंग द बैरियर्स टू द इंटरनेशनल ट्रेड इन गुड्स एंड सर्विसेज एंड इंटरनेशनल इनफ्लोज ऑफ कैपिटल। Some people argue that it should include barrier-free movement of labor as well. Collectively, all this results in greater integration of country's economy with economy of the rest of the world. Goodwill क्या है भाई? आपका reputation, जिसके base पे औरों के comparison में आपको ज्यादा profit मिलता है, ज्यादा return मिलता है। Goodwill इन अकाउंटिंग इज द डिफरेंस बिटवीन व्हाट अ कंपनी पेज व्हेन इट बाइज द एसेट्स ऑफ अनदर कंपनी एंड द बुक वैल्यू ऑफ दोज एसेट्स। समटाइम रियल गुडविल इज कंपनीज गुड रेपुटेशन, द लॉयलिटी ऑफ इट्स कस्टमर एंड सो ऑन।
इंफ्रास्ट्रक्चर, बुनियादी सुविधाएं, फैसिलिटीज, बेसिक फैसिलिटीज. इट मीन्स द बेसिक फैसिलिटीज, फॉर एग्जाम्पल बिल्डिंग, रोड्स, पावर सप्लाईज नीडेड फॉर द ऑपरेशन ऑफ ए सोसाइटी और इंटरप्राइज. फॉर एग्जाम्पल फर्म्स इंफ्रास्ट्रक्चर. अब फर्म का इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब भाई उसका बिल्डिंग आएगा, उसका लैंड आएगा, उसका वेयर हाउस आएगा, उसका गोडाउन आएगा, साथ में उसका लीगल अकाउंटिंग काम करने का तरीका भी आएगा, फ्रेमवर्क भी आएगा. फॉर एग्जाम्पल द फर्म इंफ्रास्ट्रक्चर वुड कंप्राइज इट्स फैक्ट्रीज, ऑफिसेस, वेयर हाउसेस, ज्वाइंट प्रोडक्ट, बाई प्रोडक्ट. अब क्या होता है ये, मेन प्रोडक्ट के साथ, मान लो किसी रॉ मटेरियल को आप प्रोसेस कर रहे हो, उससे दो प्रोडक्ट साथ साथ बन रहा है और दोनों की वैल्यू ऑलमोस्ट एक जैसी है, तो उसको कहते हैं ज्वाइंट प्रोडक्ट. और फर्दर प्रोसेसिंग, एक प्रोडक्ट बनाया, उससे जो रेसिड्यू बचा उसकी फर्दर प्रोसेसिंग करके कुछ बनाते हैं जिसकी वैल्यू मेन प्रोडक्ट के कंपेरिजन में काफी कम होती है, उसको कहते हैं बाई प्रोडक्ट. जैसे क्रूड ऑयल है, उससे पेट्रोल डीजल बनता है, यह ज्वाइंट प्रोडक्ट है. लेकिन जो प्रोसेसिंग करके लास्ट में बचता है उससे तारकोल बनाए, तो वो क्या है भाई, बाई प्रोडक्ट. अच्छा मान लो सुगर केन से सुगर बनता है और उसके बाद मोलासेस बाहर होते हैं, अब मोलासेस की प्रोसेसिंग करके बियर बनाते, बियर, तो वो क्या है भाई, बाई प्रोडक्ट. ज्वाइंट प्रोडक्ट्स रिप्रेजेंट टू और मोर प्रोडक्ट्स सेपरेटेड इन द कोर्स ऑफ सेम प्रोसेसिंग ऑपरेशन, यूजुअली रिक्वायरिंग फर्दर प्रोसेसिंग, ईच प्रोडक्ट बीइंग इन सच प्रोपोर्शन दैट नो सिंगल प्रोडक्ट कैन बी डिजाइंड एज ए मेजर प्रोडक्ट. फॉर एग्जाम्पल इन द ऑयल इंडस्ट्री, गैसोलीन, फ्यूएल, ऑयल लुब्रिकेंट्स, पाराफिन, कोल टार, एस्फाल्ट एंड किरोसिन आर ऑल प्रोड्यूस फ्रॉम क्रूड पेट्रोलियम. तो ये क्या हो गया, ज्वाइंट प्रोडक्ट. और बाई प्रोडक्ट, बाई प्रोडक्ट्स आर डिफाइंड एज प्रोडक्ट रिकवर्ड फ्रॉम मटेरियल डिस्कार्डेड इन मेन प्रोसेस और फ्रॉम द प्रोडक्शन ऑफ सम मेजर प्रोडक्ट वेयर द मटेरियल वैल्यू इज टू बी कंसिडर्ड एट द टाइम ऑफ सेवरेंस फ्रॉम मेन प्रोडक्ट. दस बाई प्रोडक्ट इमर्ज एज रिजल्ट ऑफ प्रोसेसिंग ऑपरेशन ऑफ अनदर प्रोडक्ट और दे आर प्रोड्यूस फ्रॉम स्क्रैप और वेस्ट मटेरियल ऑफ ए प्रोसेस. फॉर एग्जाम्पल मोलासेस इन सुगर इंडस्ट्री, तो सुगर निकाल के मोलासेस को फेंक दिया जाता है, ठीक है, कि उसकी वैल्यू काफी कम है, फिर उससे जो बनता है वो बाई प्रोडक्ट है. लिबरलाइजेशन, जीपीएल, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन हमने पीछे पढ़ा था. लिबरलाइजेशन क्या होता है भाई, रिलैक्सेशन इन प्रीवियस गवर्नमेंट्स रेस्ट्रिक्शंस यूजुअली इन इकोनॉमिक एंड सोशल मैटर्स. लिबरलाइजेशन, इट रिफर्स टू ए सिस्टमेटिक प्रोसेस ऑफ ईजिंग गवर्नमेंट्स कंट्रोल ओवर द प्राइवेट बिजनेस एक्टिविटी. इट इज ऑफन contrasted with the license and permit era where the businesses had to obtain government license and permission to start or grow a business. Liberalization का मतलब होता है सरकार के द्वारा business पे लगाए गए restrictions में relaxation देना. India में 1991 में GPL policy आई, business को relaxation दिया गया, permit, license से मुक्त किया गया gradually. लिबरलाइजेशन इज वन ऑफ द थ्री पिलर ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिंस 1990. द अदर टू पिलर्स आर प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन. दैट इज वाई न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी इज ऑल्सो नोन एज एलपीजी और जीपीएल पॉलिसी, जहां जी का मतलब ग्लोबलाइजेशन, एल का मतलब लिबरलाइजेशन और पी का मतलब प्राइवेटाइजेशन. लॉजिस्टिक्स क्या होता है भाई, ये कॉमर्शियल एक्टिविटी है ऑफ मूविंग सप्लाईज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर.
इट इज अ कॉमर्शियल एक्टिविटी इंप्लॉइंग मूविंग ऑफ सप्लाईज टू द प्रोडक्शन फैसिलिटीज एंड गुड्स एंड सर्विसेज टू देयर रेस्पेक्टिव मार्केट. तो लॉजिस्टिक होता है दो तरह का, एक होता है इनबाउंड, एक क्या होता है भाई इनबाउंड, और दूसरा क्या होता है आउटबाउंड. इनबाउंड एंड आउटबाउंड. इनबाउंड लॉजिस्टिक का मतलब क्या है, जो फैक्ट्री में आएगा. इनबाउंड लॉजिस्टिक का मतलब जो फैक्ट्री में आएगा, फैक्ट्री में आया तो इनबाउंड लॉजिस्टिक. इनबाउंड एंड आउटबाउंड, ये फैक्ट्री है आपकी. आया तो इनबाउंड लॉजिस्टिक क्या आएगा, इनपुट सप्लाई आएगा और प्रोसेसिंग के बाद आउटपुट जाएगा. तो पैदल ना आएगा ना पैदल जाएगा, तो ट्रांसपोर्टेशन भी साथ में रहेगा. इनबाउंड लॉजिस्टिक्स इंप्लाइज द मूवमेंट ऑफ इनपुट्स एंड द आउटबाउंड लॉजिस्टिक मींस द मूवमेंट ऑफ आउटपुट. मर्जर फ्रेंडली टर्म पे हुआ तो मर्जर. When two or more companies come together to increase their strength and financial gain along with breaking the trade barrier in a newly created entity. Mission, पीछे बताया था. Mission क्या है भाई, chartered accountant. पीछे पढ़ा चुका हूं, वही है. Pestle. अच्छा पहले बता ही देता हूं. A company's mission statement is typically focused on its present business scope. Who we are? What we do. Mission statement broadly describes organization's present capabilities, customer focus, activities and business makeup. मतलब mission क्या है, ultimate destination to which an organization wants to reach. It denotes who we are, what we are doing, what type of customer we are serving, what type of technology we are using. Pestle external environment को रिप्रेजेंट करने के लिए एक्रोनिम है, जिसमें पी पॉलिटिकल, ई इकोनॉमिक, एस सोशल, टी टेक्नोलॉजिकल, एल लीगल, ई एनवायरमेंट. इट इज अ मेनेमोनिक और ए पैटर्न ऑफ लेटर्स दैट हेल्प इन रिमेंबरिंग द वेरियस लेटर्स ऑफ मैक्रो एनवायरमेंट ऑफ बिजनेस. In its expanded form, it denotes P for political, E for economic, S for social, T for technological, L for legal, and E for environment, natural environment. Proprietary form of business, owner, manager भी है. सारे decision खुद से लेता है. Business ownership और management अलग नहीं है. These are the form of business organization where the law does not distinguishes between business as a separate entity distinct from owners. Consequently, the liabilities of business are considered as personal liabilities of the owners. Sole proprietorship and partnership may be cited as best representative example of proprietary form of business organization. Privatization. Privatization में क्या होगा भाई, एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है जिसमें पब्लिक ओनरशिप को प्राइवेट हैंड में ट्रांसफर किया जाता है. ओनरशिप सरकार से प्राइवेट को ट्रांसफर किया जाता है. इट इज अ सिस्टमेटिक प्रोसेस ऑफ डिस्पेंसिंग विद द स्टेट ओनरशिप, मतलब गवर्नमेंट ओनरशिप ऑफ बिजनेस इंटरप्राइजेज. वन वे ऑफ डूइंग दिस कुड बी बाय वे ऑफ लिस्टिंग द शेयर्स ऑफ पब्लिक कॉर्पोरेट इन द स्टॉक एक्सचेंज. स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टिंग हो जाएगा तो क्या होगा भाई, हम आप परचेज करेंगे, ओनरशिप सरकार के पास से हमारे पास आ जाएगा. रिटर्न्स एंड रिस्क पढ़े ना भाई पीछे, बिजनेस का दो साइड है. रिटर्न, जो आपने पैसे लगाए उस पर आपको मिलेगा आरओआई, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट. रिस्क, दीज आर द टू साइड्स ऑफ द बिजनेस आउटकम्स पर्टिकुलरली फॉर इट्स ओनर्स and generally for its investment. Individuals and business invest their resources in expectation of return or reward.
दैट मे बी सिंपली कॉल प्रॉफिट. अब कोई भी बिजनेस रिस्क फ्री नहीं होता. हाउएवर दीज एक्सपेक्टेशन मे नॉट ऑलवेज रियलाइज एट ऑल और फुल्ली. द नन पार्शियल रियलाइजेशन ऑफ एक्सपेक्टेशन इज कॉल्ड रिस्क. इन सर्टेन इन्वेस्टमेंट सच रिस्क आर नॉन एग्जिस्टेंट और सो लो एज लेवल एज रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट. बैंक में पैसा जमा किया, नॉर्मली माना जाता है रिस्क फ्री. आजकल तो बैंक में भी गड़बड़ियां होने लगी है. फॉर एग्जाम्पल, इफ ए पर्सन डिपोजिट्स हर हिज सेविंग इन अ सेविंग बैंक अकाउंट और रिकरिंग डिपोजिट अकाउंट और ए फिक्स्ड डिपोजिट अकाउंट ऑफ ए बैंक, द रिटर्न आर ऑलमोस्ट एश्योर्ड. बट मोस्ट अदर इन्वेस्टमेंट, मोर सो इन्वेस्टमेंट इन बिजनेस, इंटेल्स रिस्क. दस दोज हू अंडरटेक द रिस्क एक्सपेक्ट कॉमनसुरेट रिटर्न एज वेल. अब हम रिस्क ले रहे हैं तो हम ये भी चाहेंगे ना कि हमें रिटर्न ज्यादा मिले. Thus, the kich higher, kich the higher the risk, higher the return. Sustainable development. Sustainable development का मतलब जो आगे भी चलेगा generation to generation. तो कब होगा? जब आप planet का ध्यान रखेंगे, people का ध्यान रखेंगे. Sustainable development is a broader measure of development of a country that includes economic parameter such as income and non-economic parameter such as equity and ecological balance. It emphasizes simultaneous attention to economic growth, social equity and environmental conservation. It is the macro context of business triple P line, triple bottom line. In other sense, it also used as individual business organization. सही है भाई. इंडिविजुअल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी कॉन्सेप्ट यूज होगा. टर्म इंश्योरेंस क्या होता है? आजकल बड़ा फेमस है, टेलीविजन पे प्रचार आते ही रहता है. क्या भाई? It is the insurance of a certain time period which provides for no deferral of the insured individual, excluding losses during the period, and that becomes null upon expiration. अब term insurance मैंने अपना करवा रखा है. उस term insurance के अनुसार 80 years के एज तक यदि मैं रह गया तो कुछ नहीं मिलना. लाइफ मेरी 80 इयर्स रह गई तो कुछ नहीं मिलना. लेकिन 80 इयर्स के पहले कुछ हुआ तो मेरे घर परिवार के लोगों को मिलेगा 1 करोड़ रुपए. 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस कराया तो ट्रिपल बॉटम लाइन बताया भाई. फिर से बात वही आ गई. इट इज द बीसी के फिलॉसफी दैट प्रमोट्स द बिलीव एंड इवेलुएट्स द बिजनेस परफॉर्मेंस ऑन द बेसिस दैट अटेनमेंट ऑफ प्रॉफिट, केयर फॉर पीपल एंड केयर फॉर प्लानेट आर इक्वली इंपॉर्टेंट. द इक्वल इंपैसिस ऑन दिस ट्रिपल पी, प्रॉफिट, पीपल एंड प्लानेट इज नोन एज टीवीएल. दिस आइडिया एट मैक्रो लेवल करस्पॉन्ड विथ मोर इवॉल्व्ड नोशन ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ कंट्रीज, इकोनॉमी, सोसाइटी एंड इकोलॉजी. अब जैसे हमने देखा अभी सस्टेनेबल डेवलपमेंट में ट्रिपल बॉटम लाइन. टर्न अराउंड का मतलब क्या होता है? ये चारों तरफ घूमो 360 डिग्री एंगल पे. मान लो मैं यहां हूं और टर्न अराउंड पीटी में स्कूल्स में किए होंगे. अबाउट टर्न मतलब 180 डिग्री पे, और ये पूरा घुमा तो इसको क्या कहते हैं? टर्न अराउंड. अब टर्न अराउंड नॉर्मली क्या होता है? जिसमें बिजनेस के हर एक एक्टिविटी को मॉनिटर करते हैं, एनालाइज करते हैं, और जो नॉन वैल्यू एडिंग एक्टिविटीज है, जो रिडंडेंट है, जो आउटडेटेड है, उसको हटा के बिजनेस को स्ट्रीमलाइन करते हैं. टर्न अराउंड इज अ फाइनेंशियल रिकवरी ऑफ कंपनी दैट हैज बीन परफॉर्मिंग पुअरली फॉर एन एक्सटेंडेड टाइम. आप पढ़ेंगे इंटरमीडिएट में स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में टर्न अराउंड स्ट्रेटेजी. ऑर्गेनाइजेशन का सब कुछ ठीक नहीं चल रहा, कांग्रेस पार्टी की तरह इसको भी टर्न अराउंड चाहिए. सब कुछ ठीक नहीं चल रहा, नेटवर्थ में कमी आ रही है,
मार्केट में शेयर कम होता जा रहा है, मार्केट शेयर कम होता जा रहा है, मार्केट में शेयर का वैल्यू कम होता जा रहा है, इंप्लॉय छोड़ के भाग रहा है, तो समय टर्न अराउंड करते, एक एक एक्टिविटी को मॉनिटर करते, एनालाइज करते हैं, और जो नॉन वैल्यू एडिंग एक्टिविटीज है, रिडंडेंट है, आउटडेटेड है, उसको हटा के बिजनेस को स्ट्रीमलाइन करते हैं ताकि बिजनेस अच्छा काम करे। टू इफेक्ट ए टर्न अराउंड ए कंपनी मस्ट एक्नॉलेज एंड आइडेंटिफाई इट्स प्रॉब्लम। अब कांग्रेस पार्टी अपना प्रॉब्लम आइडेंटिफाई नहीं करती राहुल गांधी, तो टर्न अराउंड कहां से होगा? प्रियंका गांधी, टर्न अराउंड कहां से होगा? सोनिया गांधी, सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये। कंसीडर चेंजेज इन मैनेजमेंट एंड डेवलप एंड इंप्लीमेंट ए प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटजी। अभी हैदराबाद में चुनाव हुआ था, हैदराबाद के चुनाव में बीजेपी पार्टी कह रही थी जीतेंगे जीतेंगे, लेकिन हमारे ख्याल से जीतेगी नहीं। हाँ, पहले से अच्छा परफॉर्मेंस हो जाएगा लेकिन जीतेगी नहीं, क्योंकि बीजेपी का सबसे बड़ा स्टार प्रचारक तो हैदराबाद का गया ही नहीं राहुल गांधी। बीजेपी के स्टार प्रचारक की लिस्ट है जिसमें एक नाम नहीं होता लेकिन वो सबसे बड़ा स्टार प्रचारक होता है, वो गया मतलब समझ लो बीजेपी जीत गई। विजन क्या भाई? एस्पिरेशन अबाउट फ्यूचर, भविष्य को लेकर के हमारी सोच। विजन हमारी थिंकिंग होती है, उसको कॉन्क्रीट शेप देते हैं तो मिशन में कन्वर्ट हो जाता है। एस्पिरेशन अबाउट द फ्यूचर, व्हाट वी वांट टू बिकम, व्हाट टाइप ऑफ कंपनी वी वांट टू क्रिएट, व्हाट टाइप ऑफ कस्टमर वी वांट टू सर्व, व्हाट टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी वी वांट टू यूज। स्ट्रेटेजिक विजन इज अ रोड मैप ऑफ कंपनी फ्यूचर प्रोवाइडिंग स्पेसिफिक्स अबाउट टेक्नोलॉजी एंड कस्टमर फोकस, द ज्योग्राफिक एंड प्रोडक्ट मार्केट टू बी परस्यूड, द कैपेबिलिटीज इट प्लान टू डेवलप एंड द काइंड ऑफ कंपनी दैट मैनेजमेंट इज ट्राइंग टू क्रिएट। होल लाइफ इंश्योरेंस, पूरे लाइफ के लिए इंश्योरेंस हो गया भाई, जब तक जिंदा है। ए होल लाइफ इंश्योरेंस इज ए कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द इंश्योरर एंड द पॉलिसी ओनर दैट द इंश्योरर विल पे द सम ऑफ मनी ऑन द अकरेंस ऑफ द इवेंट मेंशन्ड इन द पॉलिसी टू द इंश्योर्ड। इट इज ए कॉन्सेप्ट वेयर इन इंश्योरर मिटिगेट द लॉस कॉस्ट टू द इंश्योर्ड ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन प्रिंसिपल्स। तो ये था आपका चैप्टर नंबर 6। क्वेश्चंस वैसे ही आप बनाएंगे, इसमें हमारी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। व्हाट इज कंसोलिडेशन? कंसोलिडेशन में क्या बताया था? कंसोलिडेट करना मतलब इकट्ठा करना, जमा करना। देखो कुछ आएगा, ऑप्शन पढ़ोगे तो आएगा। इट इज एन एक्सपेंस दैट इज सपोज टू रिफ्लेक्ट द लॉस इन ए वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट। ना, कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर इंटिटीज दैट अकर व्हेन द इंटिटीज ट्रांसफर ऑल देयर नेट एसेट टू अ न्यू एंटिटी क्रिएटेड फॉर दैट पर्पस। यही है। एक और देखते हैं। ए पोर्शन ऑफ आफ्टर टैक्स प्रॉफिट पेड आउट टू द ओनर्स ऑफ ए बिजनेस एज ए रिटर्न ऑन देयर इन्वेस्टमेंट इज क्या भाई? डिविडेंट है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? एक और, ब्रांड इक्विटी रेफर्स टू वैल्यू ऑफ ए ब्रांड। ब्रांड इक्विटी इज बेस्ड ऑन द एक्सटेंट टू विच ब्रांड हैज हाई ब्रांड लॉयलिटी, नेम अवेयरनेस, परसीव्ड क्वालिटी एंड स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट एसोसिएशन। दोनों है भाई। ब्रांड इक्विटी इंक्लूड्स अदर इनटेंजिबल एसेट्स सच एज पेटेंट, ट्रेडमार्क एंड चैनल रिलेशनशिप। ये भी है। तो क्या होगा? ऑल ऑफ द अबव। तो रिक्वायरमेंट ये है कि आप सारे क्वेश्चन करेंगे, सारे क्वेश्चन होंगे आपसे। इट्स ऑल फॉर टूडे, इट्स ऑल फॉर चैप्टर नंबर 6। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। एक बार इसको पढ़ना है, एक बार हमने जो क्लास वीडियो दिया आपको उसको एक बार देखिए, उसके बाद आईसीएल वाली स्टडी मटेरियल पढ़िएगा जरूर एक दो बार एग्जाम के पहले। उससे क्या होगा ना कि जब ऑप्शन आपके सामने आएगा आप रटोगे कि ये क्या था, ये क्या था, ये क्या था, तो हो सकता है याद ना रहे, लेकिन जैसे ही ऑप्शन सामने आएगा एक बार हमारा वीडियो आपने सुना है, एक बार आपने पढ़ा है, एग्जाम के पहले एक बार और कभी रिविजन कर लेना, निश्चित रूप से क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, नमस्कार, सत श्री अकाल, खुदा हाफिज, एंजॉय लर्निंग। ठीक है, थैंक यू।